वेलकम क्लास एट स्टूडेंट. नाउ टुडे इन चैप्टर नंबर 12 मैथमेटिक्स टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस. देयर इज ए कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस SP एंड CP. व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन CP तो देयर विल बी द गेन और प्रॉफिट. एंड व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन CP तो देयर विल बी द लॉस. So these are the formula you should know. Gain is equal to SP minus CP. Gain कब find out करते हैं? जब SP greater हो CP से. And gain percent, gain into 100 upon CP. Loss CP minus SP. And loss percent, loss into 100 upon CP. SP, when gain percent or loss percent is given. क्लियर. एंड CP व्हेन गेन परसेंट एंड लॉस परसेंट इज गिवन. तो ऑल दिस फॉर्मूला यू शुड लर्न. नाउ एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 1. यू हैव टू गिवन CP SP एंड यू हैव टू फाइंड आउट द गेन और लॉस परसेंट. तो पहले आपको ये यहाँ पे पता करना है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है. यहाँ पे जो है SP इज़ ग्रेटर देन CP तो इस मीन्स गेन है यहाँ पे. ठीक है, अब गेन निकालेंगे. अब SP माइनस CP 900 माइनस 800 इज इक्वल टू 100. तो 100 इज़ गेन. नाउ गेन परसेंट, गेन इनटू 100 अपॉन CP. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट 12.5%. Next, E part, CP and SP are given. So here, SP is less than CP. So it means loss will be there. And loss is equal to CP minus SP. Rupees 1.5. Now, loss percent. 100 into loss upon CP. After putting the value, we will get 42.86%. Now, G part CP is given and overhead expenses मतलब CP के साथ जो extra expense हुए हैं वो 80 रुपीज़ हैं. तो total CP कितना हो गया? 500 plus 80, 580 रुपीज़. And SP is given 600. तो here SP is greater than CP. It means profit. And profit rupees 20. Now profit percent or gain percent. So profit into 100 upon CP. And we will get 3.45%. Question number 2. CP is given. Loss percent is given. And now you have to find out SP. SP ka kaun sa formula lagayenge jisme loss percent given hai. 100 minus loss percent into CP upon 100. After putting the value, we will get rupees 770. Question number 3. SP and gain percent is given. And find out CP. So CP ka wo formula lagayenge jisme gain percent given. Clear? SP into 100 upon 100 plus gain percent. After putting the value, you will get 720 rupees. Question number 4. SP of a fridge 6251 rupees. Let CP is X. अब SP कितना है? CP से 120 कम है. ठीक है? तो X यानी कि CP minus X अपॉन 20 तो आपका आ गया 19x अपॉन 20. ये क्या आ गया? SP. और SP कितना गिवन है? इतना. तो ये किसके इक्वल होगा? दोनों आपस में क्या है? सेम है. SP हैं दोनों. तो ये दोनों इक्वेट कर लेंगे हम. और इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे. क्लियर? तो 6580 रुपीस इज द CP कॉस्ट प्राइस. क्वेश्चन नंबर 7.
द कॉस्ट ऑफ 5 फैन यानी कि सीपी आपको गिवेन है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 50 रुपीज़, तो टोटल सीपी दोनों को ऐड करके 4100 आ गया। गेन परसेंट है 15%, तो एसपी आपको फाइंड आउट करना है। तो एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें गेन परसेंट गिवेन है, एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू एसपी विल बी 4715। तो ये 5 फैंस का एसपी है, तो 1 का निकालने के लिए आपको 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 943 इज द एसपी फॉर 1 फैन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, आपको 12 एग का कॉस्ट प्राइस गिवेन है, तो हमने क्या करना है, 10 का निकालना है। तो 1 का निकालने के लिए 16/12 और इनटू 10, तो 1 एग का कॉस्ट, 10 एग का कॉस्ट प्राइस आ गया 14/3 रुपीज़। एंड एसपी फॉर 10 एग ये आपको गिवेन है 18 रुपीज़। तो हेयर 10 एग के लिए एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी, तो इट मीन्स गेन माइनस करेंगे एस पी माइनस सी पी, तो रुपीज़ 14/3 इज द गेन। नाउ गेन परसेंट, क्लियर? गेन इंटू 100/CP वैल्यू पुट करने के बाद यू विल गेट 35% गेन परसेंट। क्लियर? तो इन दिस वे नाउ यू हैव सॉल्व सम अनदर क्वेश्चन ऑफ सच टाइप।